हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में देखा था, उसकी डिमांड किसने की थी, कब की गई थी और उसका निर्माण हुआ, उसमें कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था और कितनी समितियां थी उसमें और किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ था। तो इतनी सारी चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, वो हम लोगों ने कल के वीडियो में बात कर ली थी। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखेंगे 10 से 11, क्योंकि विशेषताएं तो अपने भारतीय संविधान की बहुत सारी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में, वही हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के संविधान की विशेषताओं की शुरुआत करते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है तो यह क्या है, विश्व का सबसे लंबा मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। कैसे, मैंने बताया था कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित और एक अलिखित। अलिखित संविधान कहां का है, ब्रिटेन का है। लिखित कहां का है, अमेरिका, जापान, इंडिया और सॉरी अदर कंट्रीज का है। तो उनमें जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो इंडिया का है। कैसे, क्योंकि इसमें जब ये लिखा गया था तो 395 अनुच्छेद और इसकी 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे इसमें। और प्रेजेंट टाइम में भी आप देखेंगे अगर तो आपको 495 अनुच्छेद मिलेंगे और अनुसूचियां इसकी 12 हो गई हैं और जो भाग है इसके 25 हो गए हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसी तरह यह क्वेश्चन और आ जाता है, मैंने बताया था कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहां का है, वो यूएसए का है, आपके अमेरिका का है। कैसे, क्योंकि वहां का जो संविधान लिखित तौर पर है उसकी केवल 7 अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें, तो वो सबसे छोटा है। और यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और इसकी जो दूसरी विशेषता है, विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब जब संविधान का निर्माण किया गया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न देश के संविधानों को पढ़ने के बाद उनका निचोड़ है। ये मतलब मैं इसका एक अलग टॉपिक ही लेकर आऊंगा कि संविधान के स्रोत, यह पूरे 60 देशों का संविधान इसमें मिक्स करके पढ़ के उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिया के संविधान में लाया गया है। जैसे अगर आप लोग देख लीजिए कि इसका जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिया गया है और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो कहां से आए हैं, आयरलैंड से आए हैं। बाकी सारे फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और आपका कौन सा देश है, जापान, कोई भी, ऐसे 60 देशों से करके ये लिया गया है। तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं आज हो गई। अब तीसरी हम लोग देखेंगे क्या है, यह नम्यता तथा अनम्यता, नम्यता तथा अनम्यता का समन्वय। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है यह संविधान न तो बहुत ज्यादा कठोर है, न तो बहुत ज्यादा कठोर है और न ही लचीला है। ठीक, इसका मतलब है कि दोनों में लगभग समानता पाई जाती है कि यह न तो ज्यादा कठोर है न तो ज्यादा लचीला है। मतलब बहुत हार्ड संविधान भी यहाँ का नहीं है कि किसी को नहीं, जो करना ही है, न तो इतना लचीला ही है कि कोई भी इसे तोड़ सकता है। तो इस तरह से नम्यता तथा अनम्यता का समन्वय है। और जो इसकी तीसरी विशेषता है, सॉरी चौथी, एकात्मकता की ओर, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब एकात्मकता की ओर झुकाव। देखिए क्या है कि यहां एकात्मकता की ओर झुकाव का तात्पर्य यह है कि यहां एक ही संविधान है, एक ही संविधान सब जगह लागू होगा और एकल नागरिकता दी जाएगी आपको, केवल आपको भारत में सिर्फ एक नागरिकता दी जाएगी। और भी ऐसी सारी चीजें हैं जो केवल केवल और केवल एक ही होती हैं, जैसे कि आप लोग न्याय के लिए देख लीजिए तो सबसे सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। तो इस तरह से काफी सारी विशेषताएं हैं।
एक संविधान है, एकल नागरिकता है, सशक्त केंद्र है, और जो अब हम लोग देखेंगे क्या चार हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, पांचवी पर। तो पांचवी कौन सी है, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। इसके तहत क्या आता है आपका, कार्यपालिका आता है, और कार्यपालिका आता है, विधायिका आता है आपका सरकार का संसदीय रूप के तहत। तो हो गई पांच विशेषताएं। अब हम लोग छठवीं देखेंगे, छठवीं कौन सी है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, मैंने अभी आप लोगों को बताया एकात्मकता वाले में कि इसमें जो सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है भारत के संविधान में न्याय के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि न्याय करने वाला है, और उसके बाद आपका आता है हाई कोर्ट, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आपके सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल के आते हैं। तो इसमें न्याय की एकीकृत व्यवस्था है, मतलब कि केवल जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। तो छह हो गई। सातवीं कौन सी है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसे जोड़ा गया था कहां, संविधान में, और धर्मनिरपेक्षता आपके संविधान के प्रस्तावना में जोड़ी गई थी, संविधान के प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो यह कब हुआ था, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो इसकी विशेषता है कि यहां आप किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते कि वो दलित है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है पारसी है ईसाई है, कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसे जो लाया गया था ये शुरू में इसमें नहीं था, जब 1976 का 42वां संविधान संशोधन हुआ तो प्रस्तावना में इसे एड किया गया। अब इसके बाद क्या आता है, आठवां, और आठवां हमारा कौन सा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वह पूर्ण तरह से मतदाता हो जाता है, वह मतदान कर सकता है। उसे आप किसी भी तरह से उसकी इनकम के थ्रू या उसके स्टेट के थ्रू या उसका जो स्टेटस है उसके थ्रू, लिंग के थ्रू, किसी थ्रू आप उसे अलग नहीं कर सकते या उसे आप लोग मतदान करने से रोक नहीं सकते। और ये क्या हुआ था कि पहले 1989 के पहले तक जब 21 वर्ष की आयु होती थी तब इंसान वोटिंग कर सकता था, अर्थात मतदाता बन सकता था। लेकिन जब 1979 का 61वां संविधान संशोधन हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं साथ में, 1989 का 61वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसके तहत क्या किया गया कि मतदान की आयु को 21 से 28 कर दिया गया, अठारह कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो कौन सी है, 1989 का 61वां संविधान संशोधन। तो हमारे 8 फैक्ट हो गए किसकी, विशेषताओं के। अब हम लोग देखेंगे आगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बढ़िया से अगर आप लोग इसे एक बार रिवीजन कर लेंगे वीडियो के थ्रू ही तो चीजें आप। अब हम लोग देखेंगे किसे, हमारा जो नौवां फैक्ट है उस फैक्ट के तहत हम लोग देखेंगे किसे, एकल नागरिकता के बारे में हम लोग देखेंगे। एकल नागरिकता, ये विशेषता के तौर पर क्यों बताया जा रहा है, आप लोगों को पता होगा कि यूएसए में अगर आप वहां के निवासी होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, राज्य की भी आप लोगों को नागरिकता लेनी पड़ती है और देश की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, इसलिए वहां द्वैध नागरिकता है और यहां एकल नागरिकता दी गई है।
और इसका जो 11वां फैक्टर है हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र निकाय। देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के तहत तो गठन किया ही जाता है, लेकिन इसके तहत कुछ स्वतंत्र निकायों का भी गठन किया जाता है, जिसमें आता है आपका निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, जितने आयोग है ठीक सरकार के तहत उनका गठन होता है वो आपके किसके तहत आते हैं, स्वतंत्र निकाय के तहत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है इसकी, सर ये 10वीं थी, 11वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। कौन से? आपातकालीन प्रावधान के तहत जो पहला आपातकाल लगता है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है, जब युद्ध की स्थिति बनती है या विदेशी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो पूरे भारत में लगता है, पूरे देश में, और उसके लिए जो प्रावधान किया गया है कहां किया गया है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में 352 के तहत। और जो दूसरा वो है आपातकाल है वो लगता है राष्ट्रपति शासन, यह कहां लगता है, राज्य में। कब लगाया जाता है, जब राज्य पूरी तरह से कानूनों को लागू करवाने में या उसे फॉलो करवाने में वह सक्षम नहीं होता, या फिर वह केंद्र द्वारा दिए गए कानूनों का क्या करता है, दुरुपयोग करता है, अपने हिसाब से कानून लागू करता है, केंद्र को नहीं मानता है। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के राष्ट्रपति खुद यहाँ प्रशासन कर सकते हैं अपने अंडर में लेके। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है, 356 अनुच्छेद। और जो हमारा लास्ट है, अंतिम है, जो तीसरा हमारा है आपातकालीन प्रावधान, हुआ कौन सा है, वित्तीय आपातकाल। हमारा वह आपातकाल है जब देश को वित्तीय संकट उत्पन्न हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा था 1991 में बहुत बड़ा वित्तीय संकट आया था, लेकिन उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने बचाया था इंडिया को। इस वजह से आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। सॉरी ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल एक ऐसा आपातकाल है जो भारत में आज तक कभी नहीं लगाया गया है। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है हमारा, 356, 356, 356, 352। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इतने आते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान में जितनी विशेषताएं थी उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी विशेषताएं हम लोगों ने देख ली। देखिए इसके तहत आपका मौलिक कर्तव्य भी आता है, मूल अधिकार भी आता है, नीति निर्देशक तत्व भी आता है, लेकिन उन सबको हम लोग अलग अलग देखेंगे, तो यहां बताने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग।